बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसका आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रिसेप्टर ऑर्गन्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेप्टर्स उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करती हैं। यानी यू कैन से कि दीज आर द सेंस ऑर्गन। और अल्लाह ताला ने हमें जो है वो पांच सेंस ऑर्गन दिए हैं, जिनमें आई है देखने के लिए, नोज़ है सूंघने के लिए, ईयर है सुनने के लिए, ज़ुबान है जिसके ऊपर टेस्ट बर्ड मौजूद है चखने के लिए हैं, स्किन है जो टच के लिए, पेन रिसेप्टर हैं, टेम्परेचर को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं दीज आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस सेंस ऑर्गन की, डैट वन इज़ द आई। आज का हमारा टॉपिक है आई क्या होती है, आई का फंक्शन क्या होता है, आई की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आई जो है डैट वन इज़ लोकेटेड इन अ स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। किसके अंदर लोकेटेड होती है? ऑर्बिट के अंदर जो है वो लोकेटेड होती है। ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट जो है दो बोन्स के मिलने से बनता है। अब वो कौन सी दो बोन्स हैं? एक तो आपकी ये स्कल की बोन है और दूसरी आपकी फेशियल बोन है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में, ये दोनों बोन्स आपस में मिलती हैं और मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हमने क्या नाम दिया है? ऑर्बिट का नाम दिया है। तो अल्लाह ताला ने आँख को कहाँ पर प्लेस किया है? इस ऑर्बिट के अंदर प्लेस किया है। फिर से रिपीट करता हूँ कि स्कल की बोन और फेशियल बोन, ये दोनों मिलके जो स्ट्रक्चर बना रही हैं इसको कहते हैं ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट क्या करती है? आँख को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि आँख एक डेलिकेट स्ट्रक्चर है, डेलिकेट ऑर्गन है। तो ये क्या करती है? आँख को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, आँख को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एनी एक्सटर्नल शॉक। तो हिफाजत के लिए जो है वो काम करती है। उसके अलावा अल्लाह ताला ने आँख के ऊपर एक कर्टन रख दिया है और इस कर्टन को हम कहते हैं आईलैशेस। आईलैड्स जो हैं दीज आर द कर्टन जो क्या करते हैं, कवर करती हैं आइज़ को, और उसके ऊपर क्या मौजूद हैं? आईलैशेस जो है वो मौजूद हैं। तो ये जो जो है वो आईलैड्स हैं ये आँख को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा आँख के साथ टीयर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं? टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो आँख को वॉश करते हैं, और उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसके अंदर ऐसा सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपके जो आईलैड्स हैं वो क्या करते हैं? उस टीयर को आँख के ऊपर जो है वो स्प्रेड कर देते हैं ताकि एक तो जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा हो जा सके, और दूसरा जो है वो क्या हो कि आँख जो है वो ड्राई भी ना हो। इसके अलावा अल्लाह ताला ने आई लैशेज दिए हैं जो किसी भी डस्ट पार्टिकल को आँख के अंदर जाने से प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आँख की स्ट्रक्चर को देखें तो आँख जो है कुछ ओवल शेप की है, लेकिन उसका जो फ्रंट वाला एरिया है वो थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ है। अगर आँख की हम लेयर्स की बात करें तो देयर आर द थ्री लेयर्स, जो आउटर लेयर है, मिडल लेयर है और इनर मोस्ट लेयर है। जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो आउटर लेयर है डैट मेक द स्क्लेरा एंड कॉर्निया, टू जो है वो लेयर्स जो है वो मिलके क्या बनाती हैं? आउटर लेयर्स, जिनमें स्क्लेरा है। स्क्लेरा जो है डैट वन इज द वाइट पोर्शन ऑफ द आई। अगर आप आँख को देखें तो आँख का जो बाहर वाला आपको एरिया ज़्यादातर नज़र आता है वो क्या है? वाइट पोर्शन है। ये जो वाइट पोर्शन है डैट वन इज डेंसली पैक्ड विद द कनेक्टिव टिश्यूज। ये क्या होते हैं? इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद होते हैं। और ये कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं? दे प्रोटेक्ट आवर आईज। वेरी हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से जो है वो आंख को क्या किया जाए?
प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये क्या करती है, आँख को प्रोटेक्ट करती है, आँख की प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। जबकि अगर हम फ्रंट साइड पर जाएं आँख की, तो आँख का जो बाहर को निकला हुआ पोर्शन है, इसको हमने नाम दिया है किसका, कॉर्निया का नाम दिया है। और कॉर्निया का मेन काम क्या होता है कि इट एडमिट लाइट टू एंटर इनटू द आई, ताकि वो क्या कर सके, आंख के अंदर एंटर हो सके, लेंस पर पड़े और देन वो फोकस जो है वो हो सके। इसके अलावा ये लाइट रेस जब आंख के अंदर एंटर होती हैं, तो एंटर होने के बाद वो उसको क्या करती हैं, फोकस करती हैं ऑन द रेटिना, ताकि इमेज की फॉर्मेशन जो है वो हो सके। तो ये तो हो गई आउटर लेयर। उसके बाद हम बात करते हैं कि मिडल लेयर क्या है। तो मिडल लेयर जो है डेट मेक्स द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड कोराइड्स। इट इज द मिडल लेयर ऑफ द आई एंड इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। इसको जो है वो ब्लड वेसल जो है वो सप्लाई की गई होती हैं एंड इट गिव द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द आई टू गिव अ डार्क कलर। डार्क कलर जो है वो ब्लैकिश टाइप कलर जो है वो आता है। और इसका काम ये क्या होता है कि आई के अंदर जब लाइट एंटर होती है तो वो बिखरती नहीं है, वो स्प्रेड नहीं होती, वो एक पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या हो सकती है, फोकस होती है। तो वो क्या करने में हेल्प करती है, ये लाइट को फोकस करने में हेल्प आउट जो है वो करती है। जबकि आंख की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है डेट वन इज कॉल्ड रेटिना। जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हमने क्या नाम दिया है, रेटिना का नाम दिया है। तो बहरहाल अभी हम बात करते हैं कि जो फ्रंट एरिया है वहां पर आपने देखा होगा कि आंख का मेजर पोर्शन जो है वो वाइट है और उस वाइट पोर्शन के अंदर एक बड़ा काला सर्कल मौजूद है, ब्लैक सर्कल मौजूद है। इस ब्लैक सर्कल को हम क्या कहते हैं, आयरस कहते हैं। इस ब्लैक सर्कल को हम क्या कहते हैं, आयरस कहा जाता है, जो बनता है बाय द बेंडिंग ऑफ द कोराइड्स एंड इट हैज अ मस्कुलर रिंग। ये जो स्ट्रक्चर है डेट हैज अ मस्कुलर रिंग। और इस आयरस के अंदर दरमियान में एक छोटा सुराख होता है और इस होल को, सुराख को हम कहते हैं पीपिल। लाइट एक्चुअली इसी होल के जरिए से आंख के अंदर जो है वो एंटर होती है। अगर हम बात करें कि ये जो आयरस जो है डैट कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ द पीपिल, यानी उसके साइज को एडजस्ट करता है इन द डिम लाइट एंड इन द ब्राइट लाइट। यानी वो क्या करता है कि अगर ब्राइट लाइट हो, बहुत ज़्यादा शदीद लाइट हो, इंटेंसिटी ज़्यादा हो, तो इन डैट केस वो पीपिल के साइज को क्या कर देता है, कम कर देता है, ताकि ज़्यादा लाइट एंटर हो के आई की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज ना हो जाए। दूसरा कि अगर डिम लाइट है तो इन डैट केस वो पीपल के साइज को क्या कर देता है, डायलेट कर देता है, वो उसको खोल देता है ताकि मैक्सिमम लाइट जो है वो आंख के अंदर जो है वो एंटर हो सके। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे कि जब लाइट इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो तो फिर क्या होता है। जब लाइट इंटेंसिटी जो है वो कम हो, रोशनी की शिद्दत कम है, तो इन डैट केस जो पीपल का साइज है उसको कंट्रोल करने के लिए दो किस्म के मसल जो है वो इन्वॉल्व हैं। वन आर द रेडियल मसल्स एंड अदर वन आर द सर्कुलर मसल्स। दो किस्म के मसल्स इन्वॉल्व हैं, एक को हमने नाम दिया है रेडियल मसल्स का और दूसरों को हमने नाम दिया है सर्कुलर मसल्स का। अब ये देखें यहाँ पर, ज़रा आप देखें तो ये आपका पीपिल है और पीपिल के साइज ये रिंग की सूरत में जो मसल्स मौजूद हैं, इन मसल्स को हमने नाम दिया है किसका, सर्कुलर मसल्स का। और इसके साथ में ये बाहर वाली साइड पर जो मसल्स मौजूद हैं डेट वन आर कॉल्ड रेडियल मसल्स। इन मसल्स को हम क्या कहते हैं, रेडियल मसल्स कहते हैं। अब अगर लाइट इंटेंसिटी कम है, लाइट इंटेंसिटी उसकी शिद्दत जो है वो कम है, तो ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए, जनरल बात है कि प्यूपिल का साइज खुल जाना चाहिए ताकि ज़्यादा लाइट एंटर हो सके और इमेज फॉर्मेशन जो है वो बेहतर हो सके। तो इन डैट केस जो रेडियल मसल्स हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसी लम्हे जो सर्कुलर मसल्स हैं वो क्या कर जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे। जब सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करेंगे, रेडियल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली नतीजा क्या होगा कि प्यूपिल का साइज ओपन हो जाएगा, वो सुराख जहां से लाइट एंटर हो रही है वो क्या कर जाती है, खुल जाता है, जिससे मैक्सिमम लाइट जो है वो आंख के अंदर दाखिल हो सकती है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, भाई जब लाइट की शिद्दत ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो अब ज़रूरत किस बात की है कि प्यूपिल के साइज़ को रिड्यूस कर दिया जाए, ताकि लाइट, शदीद लाइट आँख के अंदर दाखिल होकर आँख के, आँख की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डैमेज ना कर सके। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि रेडियल मसल जो हैं, ये वाले रेडियल मसल जो हैं वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, जबकि सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा कि प्यूपिल का साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो जब साइज रिड्यूस होगा तो अल्टीमेटली लाइट जो है वो क्या होगी, कम एंटर जो है वो होगी। इस तरह से जो प्यूपिल का साइज है उसको कंट्रोल किया जा सकता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द रेडियल मसल एंड द सर्कुलर मसल। यहां पर एक बात जहन में रखनी है कि ये जो रेडियल मसल्स हैं और ये सर्कुलर मसल हैं, ये एक दूसरे के एंटागोनास्टिक होते हैं। एंटागोनास्टिक का मतलब ये है कि जब एक वक्त में एक सेट ऑफ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, तो एट द सेम टाइम दूसरा मसल जो है वो क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा। जब पहला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सेकंड रिलैक्स करेगा, जब सेकंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फर्स्ट वन जो है वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो यहां पर हमने यही देखा है कि जब रेडियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सर्कुलर रिलैक्स करते हैं, और जब सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर रेडियल जो है वो क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। उसके बाद जो इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है, जहां जिसको हम कहेंगे लेंस है, जिसका मेन काम क्या है कि उसने लाइट को फोकस करना है किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। तो ये जो लेंस है, ये लेंस होता है कन्वेक्स लेंस। ये लेंस जो है वो क्या होता है, कन्वेक्स लेंस है, जो क्या करता है, लाइट जब आंख के अंदर एंटर होती है तो जैसे ही वो लेंस के ऊपर पड़ेगी तो वो फोकस हो जाएगी किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर, और इमेज जो है वो कहां पे बनता है, रेटिना के ऊपर बनेगा। तो ये जो लेंस है ये हैंग है इन द कैविटी बाय मींस ऑफ द सिलरी मसल्स, और इन्होंने क्या किया हुआ है, लेंस को अटैच किया हुआ है, और जब ये रिलैक्स करते हैं सिलरी मसल्स तो लेस जो लेंस जो है वो लेस कन्वेक्स हो जाता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर लेंस जो है वो मोर कन्वेक्स हो जाता है। फिर हमने बात की कि ये जो आई है इसका जो इनर मोस्ट एरिया है, जो इनर मोस्ट लेयर है, उसको हमने नाम दिया है रेटिना का। रेटिना आप ये समझ लीजिए कि ये वो पर्दा स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज बनना है, जिसके ऊपर क्या बनना है, इमेज बनना है। जैसे हम कोई प्रोजेक्टर लगाते हैं तो उसके सामने एक स्क्रीन लगाई जाती है जहां पर हम क्या करते हैं, इमेज जो है वो लेते हैं। तो सेम इसी तरह से कि जब लाइट लेंस में से पास होगी तो जहां पर जाके उसने फॉल करना है, जहां पर उसने इमेज बनाना है, डैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेटिना। ये जो है वो इनर मोस्ट लेयर है जिसको हमने नाम क्या दिया है, रेटिना का नाम दिया है। दैट वन इज द इनर मोस्ट लेयर। रेटिना जो है डैट वन इज वेरी द सेंसिटिव एरिया। और यहां पर दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक को हम रॉड सेल कहते हैं और दूसरे को हम कोन सेल कहते हैं। रॉड सेल जो है ये सेंसिटिव होते हैं फॉर द ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट के लिए जो है वो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। जबकि जो कोन सेल होते हैं, दे हेल्प इन द डिफरेंशिएशन ऑफ द कलर्स, कलर्स की डिफरेंशिएशन में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। अगर मैं ह्यूमन आई की बात करूं तो ह्यूमन आई के अंदर तकरीबन 12.5 मिलियन जो है वो रॉड सेल है और 0.5 मिलियन जो है वो कोन सेल है। आपने देखा होगा कि एनिमल्स जो है, कुछ कार्निवोर एनिमल्स जो है, वो रात को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, अंधेरे में भी देख सकते हैं।
उसकी वजह यह होती है कि उनकी आंख के अंदर एडिशनल रॉड सेल मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो अंधेरे के अंदर भी देख सकते हैं। चलें, यहां पर यह बात हुई तो एक और बात करते चलें कि हमने ये भी ऑब्जर्वेशन ली कि बास जो है वो एनिमल्स की आंख के ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो वो क्या करती है, चमकती हैं। वो चमकना किस वजह से होता है कि उनकी आंख के अंदर एक लेयर मौजूद होती है, आंख के ऊपर एक लेयर है जिसे हम कहते हैं टेपिटम। जब टेपिटम के ऊपर लाइट फॉल करती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उस वजह से हमें आंख जो है वो चमकती हुई दिखाई जो है वो देती है। इसके बाद जो है यहाँ आप एक स्ट्रक्चर है जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो अराइज कर रही हैं, और ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, दे कन्वे द मैसेज टू द ब्रेन, यानी इमेज रेटिना के ऊपर बन गया, बनने के बाद उस इमेज की फॉर्मेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन को ट्रांसमिट की जाएंगी, और जब वो ब्रेन को जाएंगी तो ब्रेन जो है वो आपके इमेज को बताएगा कि किस चीज़ का इमेज जो है वो बना है और क्या स्ट्रक्चर आप जो है वो देख रहे हैं। यहीं पर एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं फोविया। फोविया एक्चुअली द पॉइंट वेयर द नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स एंटर और लीव द आई। ये वो जगह है जहाँ पर कोई रॉड, कोई कोन सेल मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि अगर कहीं इमेज यहाँ पर बनना शुरू हो जाए तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा आँख के अंदर दो किस्म के चैम्बर मौजूद होते हैं, एक ये वाला चैम्बर, इस चैम्बर को हम कहते हैं एक्वस चैम्बर। इस चैम्बर के अंदर एक फ्लूइड मौजूद है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। आई रिपीट कि ये क्या है, दैट वन इज द एक्वस चैम्बर एंड इट इज दिस चैम्बर इज बिटवीन द आयरस एंड द कॉर्निया। ये चैम्बर जो है वो फॉर्म करता है कहां पर, कॉर्निया और आयरस के दरमियान। ये कॉर्निया था और आयरस के दरमियान एक कैविटी डेवलप करती है, एक चैम्बर डेवलप कर जाता है, और इस चैम्बर को हमने नाम दिया है एक्वस चैम्बर का। और इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड मौजूद होता है और उस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। इसी तरह से एक और चैम्बर जो है वो डेवलप करता है बिटवीन द आयरस एंड द रेटिना। यहां पर ये पूरा एक चैम्बर जो है वो डेवलप कर गया है, इस चैम्बर को हम कहते हैं विट्रस चैम्बर। इसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ये क्या करता है, ये जो है आंख को प्रॉपर शेप देता है। ये क्या करता है, आंख को प्रॉपर शेप देता है। इसके अलावा जो लेंस है वो यहीं पर जो है वो हैंग होता है, यहीं पर जो है वो मौजूद होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर ये मेन जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, एक ये कि जी रॉड सेल मौजूद हैं और रॉड सेल जब लाइट पड़ती है तो वो प्रोटीन बनाते हैं जिसे रिडॉप्सिन कहते हैं, और रिडॉप्सिन प्रोटीन जो है वो डिम लाइट के अंदर जो है वो देखने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा विटामिन ए जो है वो भी इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर किसी में रिडॉप्सिन की कमी हो जाए तो उनमें डिजीज़ डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, के यानी जैसे ही सूरज ग़ुरूब होता है तो फिर उनको दिखाई नहीं देता। फिर कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कोन सेल जो है वो एब्सेंट होते हैं, और कोन सेल एब्सेंट होने की वजह से उनके अंदर एक डिजीज़ डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिनमें वो डिफरेंट कलर्स के अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज हमने स्ट्रक्चर के हवाले से बात की, आई की स्ट्रक्चर पढ़ी, और इसके अलावा उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शन की बात की कि वो क्या करती हैं, उनका रोल क्या है आँख के अंदर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलामुअलैकुम।